बीएड के लिए कमेंट बॉक्स में कट ऑफ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कट ऑफ के क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि कम से कम कितने परसेंट लास्ट या एक्सपेक्टेड मेरिट गई है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है, ये पिछले साल की वो शीट है जिसमें मेरिट शुरू हो रही है। ये देख सकते हैं आप कैटेगरी, ये पंजाब, ये रहा कैटेगरी जनरल, ये जनरल की पिछले साल की मेरिट लिस्ट है। रैंक 1 आप देख सकते हो, कैंडिडेट की आईडी सिमरन जो टॉपर रही है, उसके मार्क्स कितने हैं ये ध्यान से देखिए। मार्क्स परसेंटेज इन ग्रेजुएशन, ओके, 94.6। तो अच्छा, रूरल एजुकेशन का बेनिफिट लिया, ऐसे आपकी मेरिट बननी है, ये टॉपर की है। कट ऑफ क्या है कि मिनिमम वो स्टूडेंट जिसको बीएड में एडमिशन मिल गई है वो कौन है, वो हम देखेंगे इस शीट का लास्ट पार्ट। ये मिडिल पार्ट है शायद, ये रहा लास्ट पार्ट। हाँ जी, लास्ट पार्ट में नॉट एलिजिबल भी है। हम ये देखेंगे कि इस शीट के लगभग लास्ट में, ये आप देख सकते हो कि ये 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, ऐसे मैंने काउंट किए हैं। टोटल लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50% ही मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है जनरल कैटेगरी की, एलिजिबिलिटी क्या है, ये प्रॉस्पेक्टस में आप देख सकते हो, 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को। वहां हमने मेरिट देखी पिछले साल की कि 50% वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, वो मैंने काउंट किए हैं, लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ कि कट ऑफ कोई भी नहीं है। जे अगर आप एलिजिबल हो, मिनिमम मार्क्स आपके पास हैं कैटेगरी वाइज, जनरल के 50% और एससी के, ये देख सकते हो आप, एससी बीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एसटी, इनके 45 है। याद रखना है कि 45 राउंड करके नहीं बनने चाहिए। फॉर एग्जांपल 44 पॉइंट आपके 8 हैं तो आपके 45 नहीं गिने जाएंगे, आपके पूरे 45 चाहिए इन तीन कैटेगरी के, और जनरल कैटेगरी के 50% चाहिए। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। इट मीन्स अगर आप एलिजिबल हो तो आपको सीट मिल जाएगी। बस आपने ये देखना है कि आपके लिए आपका मेन टेंशन क्या है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मिल जाए जो आप चाहते हो, नंबर दो वो कॉलेज मिल जाए जो आप चाहते हो। ये दो बातें हैं। लास्ट एडिशनल बात उसी बात को जस्टिफाई कर रही है कि टोटल 214 कॉलेज से 3 कॉलेज छोड़ गए, 211 कॉलेज रह गए, 24,000 सीट थी, मान लीजिए 23,000 सीट्स रह गई हैं। 23,000 सीट रहने के बाद आप ये देख लीजिए, लगभग 10 या 12 हजार कैंडिडेट होंगे आपके बीएड के, 10 से 12 हजार, इट मीन 50% अपियर होंगे। तो कट ऑफ के बारे में सोचने की कोई चिंता मत कीजिए, आप एलिजिबल हो, आपको सीट मिल जाएगी। कोई और टेंशन हो, कोई और सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो बीएड के लास्ट तक इवन टीईटी की तैयारी भी करवाऊंगा, उसके बाद अगर एमएड के लिए गाइडेंस चाहिए, पीएचडी के लिए चाहिए, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू।